अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू आर चैनल सुधरा आसिम व्लॉग। आज मेरे घर में दावत है मेरी नन की। वो ईद पे आ नहीं सकी थी, एक्चुअली उनको अपनी सास के यहाँ जाना था और एक आध जगह और जाना था अपने फ्रेंड के, तो ईद पे वो उनकी दावत नहीं हो सकी थी। तो उनकी दावत आज हो रही है, तो बस दावत की प्रिपरेशन करनी है, सारी स्टार्ट करना है। दावत में जो जो बनेगा अब उसके काम स्टार्ट करने हैं सारे, तो मैं सब आपको दिखाती जाऊंगी जैसे जैसे मुझे मौका मिलता जाएगा कि दावत में मैं क्या क्या बना रही हूँ। ऐसे पुलाव कबाब तो बने हुए हैं और शीर कोरमा भी रेडी हो रहा है, वो दिखाऊंगी आपको मैं। देखें मुझे इतना पसीना आ रहा है कि एक्चुअली गर्मी इतनी है और आज हमारी लाइट भी बहुत जा रही है, बार बार लाइट तंग कर रही है। तो बस जिस दिन घर में कोई ओकेजन होता ना, उस दिन लाइट ने डिस्टर्ब करना होता है लाजमी, ये तो आजमाई हुई बात है। तो लाइट आज बहुत तंग कर रही है। बस अभी तो खैर मैंने फ़ैन ऑफ़ किया हुआ, क्योंकि ना फ़ैन की आवाज़ आती है आप लोगों को, फिर ना वॉइस सही से समझ में नहीं आती, इसलिए मैंने फ़ैन ऑफ़ कर दिया है। लाइट अभी अभी आई है। सेकंड, ये वीडियो को आगे ले जाने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह आने वाली न्यू अपडेट्स आप लोग को मिलती रहें। ओके, चलते हैं आगे अपनी वीडियो की तरफ। आओ जल्दी से खाना खा लो। हाँ खाओ ना, आप खाओ, मेरे हाथ नहीं देखो, आप खाना खाओ। पहले मैंने कहा फ्यूजी को खाना खिला दूँ, उसके बाद काम करूँगी, इसको भूख लग रही है फ्यूजी को। अगर अभी मैं उठ जाऊँगी ना, ये खाना नहीं खाएगी यहाँ पे। खा लो फिजी। अभी ये दो, ये लोग आ चुके हैं तीनों, आयशा, शारिब और अम्मार। अम्मार हाय करो, बोला अस्सलाम वालेकुम। इनके मम्मी पापा काम से गए हैं तो ये लोग आ गए, यहीं पर रेडी होंगे ये। मम्मा पापा गए काम से, दावत की तो है। तुम्हें शर्म क्यों आ रही है? छोड़ो नहीं, खाना खाओ जल्दी से, खाना खाओ, छोड़ो नहीं, इधर आओ, मना कर रही ना शायद। दावत में भी इसको खाना मिलेगा। आओ खाओ, छोड़ के जा रही है खाना अपना ही है। अब देखें इसको मुझे खिलाना पड़ेगा, इसने छोड़ दिया। इधर आओ, ये लो फ्यूजी, देखें आ जाएगी फ्यूजी। आओ ये लो, ये लो, आओ, आओ ये लो, ये लो, आओ आओ जल्दी आओ, आओ देखो मुझसे खाएगी, इधर आ गया, आओ। ये देखें छोड़ दिया इसने, अब ऐसे खिलाना पड़ता है मुझे खाना इसे। ये देखें अब माशाल्लाह खाएगी। तो ओके, मैं खाना खिलाने के बाद मिलती हूँ उसको। वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, यही छोटे छोटे क्लिप्स इतने बड़े हो जाते हैं कि फिर वो एडिट करने के बाद बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है। देखिए इसने खाना खा लिया, बस छोड़ दिया खाना, भाई भी हाँफती रहती गर्मी में, अभी इसको पानी भी दूंगी मैं, चेंज करूँगी पानी से। ओके फ्रेंड्स, अब मैं यखनी बनाने जा रही हूँ। ये माशाल्लाह से 1.5 किलो गोश्त है ये, और इसमें यखनी में हम डालेंगे तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, जायफल, जावित्री, सॉरी, ज़ीरा, सौंफ, धनिया, बादियन का फूल और ये दालचीनी। इसमें जो है बाकी मैं प्याज ले ली मैंने, एक बड़ी एक छोटी, दो लहसुन के बड़े बड़े पूरे वो ले लिए हैं जो काटे होती हैं, अदरक ले ली है इसके अंदर। तो अब मैं जो आपको ये चीज़ें ना, एक्चुअली आप मलमल का कपड़ा होता है उसमें आप पोटली बांध के डाल सकते हैं, बट मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है तो मैं तो ऐसे ही डाल दूँगी चीज़ें। और मैं ये सब चीज़ें धो के डालूँगी इसलिए, क्योंकि मिट्टी वगैरह होती है इसके अंदर, तो ये सब चीज़ें मैं धो के डालूँगी। ये तो मैंने धो ली हैं सब चीज़ें, गोश्त धुला हुआ है, ये सब चीज़ें मैंने धो ली हैं, गोश्त तो धुला हुआ रखा हुआ है, बाकी अब मैं डालती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ सारी चीज़ें। ओके, मैंने यखनी के अंदर सारी चीज़ें डाल दी हैं, बस पानी ऐड करना है। पानी तकरीबन 2.5 से 3 गिलास होना चाहिए पानी, ताकि अच्छे से यखनी बन जाए।
तो इसको मैंने पानी डाल के अब रख दिया है, ये हल्की आंच पे होती रहेगी यखनी, जब रेडी हो जाएगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ओके, अभी मैं ढक लेती हूँ उसको, मैंने जला दी है। ठीक है, एक खोल आ जाएगी ना तो फिर मैं इसकी आंच हल्की कर दूंगी, अभी आंच बहुत तेज़ है, खोल आती है तो दिखाती हूँ आप लोगों को। ओके फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसमें ये खोल आ चुकी है, ज़बरदस्त सी खोल आ गई है इसके अंदर। तो मैं चूल्हा अब स्लो कर दूँगी, ये आराम से होती रहेगी हल्की आंच पे। एक तो ये हमारे यहाँ ना हवा आती है यहाँ से, तो यहाँ पे मैंने ये लगाई है ट्रे, ताकि इसको आंच ना लगे, क्योंकि ना हमारे यहाँ बहुत हवा आती है यहाँ से, हवा का रुख है। इतनी आंच कर दी मैंने, अब ये पकती रहेगी इतनी आंच पे। शीर कोरमा देख लें, ये रेडी है, बना के रख दिया है पहले, ये मेरी सास ने बना लिया। देखें शीर कोरमा बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है शीर कोरमे में, पंखे में ठंडा होने रख दिया है ताकि ये ठंडा हो जाए, क्योंकि ये लाइट वैसे आज बहुत जा रही है तो ठंडा होना थोड़ा मुश्किल है, फ्रिज भी कूलिंग नहीं कर रहा इतनी। ठंडा होने के लिए इसको रख दिया है हमने, जब तक ठंडा हो जाएगा ये पंखे के नीचे, बाकी हम और चीज़ों की तैयारी कर लेते हैं। जब तक इसको वापस मैं कवर कर देती हूँ, हल्का सा खुला रखूँगी ताकि हवा जाती रहे इसके अंदर। ओके फ्रेंड्स, अभी मैं चावल भिगोने जा रही हूँ, ये सेला चावल है, साफ है चावल, ये देख लिए चावल, इनको ये तकरीबन 2.5 से 3 घंटे भीगेंगे, तो मैं इनको भिगोने जा रही हूँ, भिगो के दिखाती हूँ आपको। फिर मैं पहले इसको वॉश करूँगी फिर भिगोंगी चावल। इसको वॉश कर लेंगे चावलों को हम अच्छे से, फिर भिगोएंगे। ओके, वॉश करके दिखाती हूँ आपको मैं। ओके, चावल मैंने धो के भिगो दिए हैं तकरीबन 2.5 से 3 घंटे, और चावल 1.25 किलो हैं, गोश्त 1.5 किलो है, क्योंकि चावल फूल के ज़्यादा हो जाते हैं, सेला चावल तो वैसे भी ज़्यादा हो जाते हैं। और दूसरा ये आप लोग बोलेंगे मैं सामने क्यों नहीं आती वीडियो बनाने के टाइम पे, मतलब जैसे काम कर रही होती हूँ तो वीडियो भी मुझे खुद बनानी होती है, काम भी मुझे खुद करना होता है, इसलिए मैं इस तरह बनाती हूँ वीडियो। ओके, शीर कोरमा बाउलों में शिफ्ट कर दिया है ठंडा करने के लिए, इसको फ्रिज में रखेंगे हम। फ्रिज में रख दिया ठंडा करने के लिए, अगर नीचे नहीं होगा ठंडा तो फिर इसको ऊपर रखेंगे फ्रिज में हम ठंडा करने के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत है, फ्रिज कूलिंग नहीं कर रहा, लाइट बार बार जा रही है लाइट। अभी फ्रेंड्स मैंने ये शारिफ के बाल कटिंग किए हैं, देखें थोड़े थोड़े से बाल कट कर दिए हैं, वीडियो बना नहीं सकी इसके, मैंने बाल अभी कटिंग कर दिया। हाँ भाई हीरो, कैसे लग रहे हैं बाल? और अभी ये आयशा का कमीज सही हो रहा है, क्योंकि इनको गला नहीं आ रहा है नेक, तो ये मैंने अभी उधेड़ा है, इसको सही करूँगी, फिर दिखाती हूँ आपको सही करके। और ये अभी अभी अम्मार नहा के निकले, इनको बहुत नहाने की लगी हुई थी अम्मार, है ना, नहा लिए, मज़ा आया नहा के? ऐसे बोल दो, ऐसे कर दो, बाय 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 बाय, नहीं ऐसे करो ना, ऐसे ऐसे करो। अच्छा अम्मी देखती हूँ, मज़ा आया नहा के आपको, नहा लिए? आयशा का गला फाइनली आ गया है, सही आ रहा है ना आयशा का गला? अब मैं इसको सही करती हूँ, अभी तो तुरपाई करूँगी फिलहाल मैं। तो आप लोग देख सकते हैं इधर सोई में धागा डल रहा है, फाइनली हमारा धागा डल चुका है, टाइम नहीं है बिल्कुल भी, टाइम नहीं है, मामी को सही करने आ रहा है, कपड़े सही करने मुझे अभी। और जब हम रेडी हो जाएंगे तब भी आप लोगों को दिखाएंगे।
ओके देखें फाइनली मैंने ये ओपन कर दिया, यहाँ से इनका नेक आराम से आ जाएगा। आयशा जब रेडी हो जाएंगी ना फिर दिखाऊंगी आपको मैं। ओके आयशा यहाँ पे अब नेल पेंट लगा रही है अपने। ओके साथ साथ काम भी होता रहेगा, ये लोग रेडी भी होते रहेंगे, ये नेल पेंट इन ये बाद में लगा लेंगी, पूरा कर लेंगी। मुझे तो काम है, अब मैं जा रही हूँ और काम करने। रखो हाथ नीचे, मैं लगा रही हूँ, इससे तो लगा नहीं सही से नेल पेंट। ठीक है मैं ये तो बहुत कम यूज़ करती हूँ। देखो हाथ नहीं लाओ, तुमने नेल्स कट किए हैं कभी? आयशा के नेल पेंट लग गया है, ये ड्रोनी शक्ल क्यों बनाई है, सही से दिखाओ, ड्रोनी आएगी शक्ल। ओके फ्रेंड्स यहाँ मैंने तेल में प्याज डाल दी है, प्याज होगी तो फिर इसको मैं ब्राउन करके निकाल लूँगी प्याज को। ये टमाटर हरी मिर्चें, टमाटर भी कट कर लिए, हरी मिर्चें ये उचल के डालूँगी इसके अंदर में। ये गरम मसाला निकाल लिया है, जीरा भी इसके अंदर ऐड होगा, ये काली मिर्चें पीस ली हैं और ये गोश अलग कर लिया यखनी में से, यखनी अभी इसके अंदर है, अभी ये अलग होगी यखनी। जैसे जैसे जो होता रहेगा आपको दिखाती रहूँगी मैं। प्याज को हमने ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है क्योंकि वो फिर पुलाव का कलर वाइट नहीं रहेगा। अब इसमें हम गरम मसाला ऐड कर देंगे, मैंने जीरा ऐड कर दिया है, थोड़ा सा इसको भूनने के बाद गोश्त ऐड करूंगी इसके अंदर में। गोश्त को अच्छी तरह भून लेंगे फिर आपको दिखा दूं। ये भून लिया अच्छे से गोश्त को, लहसुन तक डालूंगी, लहसुन डाल के अच्छे से इसको भून लूंगी अब मैं। भून के दिखाती हूँ आपको। ओके ये मैंने इसमें कुटी हुई हरी मिर्च ऐड कर दी, यानी हरी मिर्च कूट के ऐड की है ताकि थोड़ा सा स्पाइसी हो जाए। इसमें शान का पुलाव मसाला पैकेट भी ऐड कर रही हूँ, ये मैंने इसमें निकाल लिया, प्लेट में से निकाला कि आप लोग देख लें कोई कीड़े वगैरह ना हो इसके अंदर। इसमें इसको निकाल लिया है, अब इसके अंदर ऐड करूँगी फिर दही और टमाटर डाल के भूनूंगी इसको मैं। दही ऐड कर रही हूँ सुंदर। भून लेंगे सब हम। ओके इसमें हरी मिर्चें, हरा धनिया और टमाटर मैं इसमें ऐड कर दूंगी, ये देखें। इसको डाल के भूनूंगी अब मैं थोड़ी देर। 1 टेबल स्पून गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, 1 टेबल स्पून काली मिर्च है, बट टमाटर होने के लिए छोड़ देंगे इसके अंदर हम थोड़ी देर, तो चावल ऐड करेंगे। टमाटर देखें हो गए हैं, मसाला जो है हो गया रेडी, अब इसमें चावल ऐड करूँगी मैं अच्छे से, मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर। चावल मैंने इसमें ऐड कर दिया, मैं यखनी का पानी ऐड करूँगी, ये यखनी का पानी ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, फिर देखूँगी। यखनी का पानी सारा ऐड कर दिया है, पानी कम पड़ेगा तो और ऐड करूँगी, चेक कर दूँ। पानी इसमें ऐड कर दिया है, अब ये दम पे रखूंगी, पानी कुछ हो जाएगा तो इसका। ओके फ्रेंड्स ये मैंने ब्राउन प्याज डाल के दम पे लगा दिए हैं चावल, और ये कपड़ा इसके बांध दिया है, कपड़ा ढक के दम लगाऊंगी। अभी आँच तेज़ है, हल्की आँच, अभी आँच तेज़ है फिर हल्की आँच करूंगी। ओके इस पर स्टीम आ गई है, अब चूल्हा हल्का कर दूंगी।
ओके हाँ स्लो कर दिए, दम पे होते रहेंगे चावल, अब कबाब वगैरह फ्राई होंगे तक मैं रेडी हो जाती हूँ। ओके फ्रेंड देखें पुलाव बिल्कुल रेडी हो गया माशाल्लाह बन के, अब मैं इसको निकालूंगी डिश में, स्टीम आ रही है देखें इतनी। ये हमारे नीचे खाला है उनके यहाँ जाएगा, ये कबाब है इसके अंदर बिरयानी और ये कबाब रेडी हो चुके हैं, बाकी मैं अब दस्तरखान पे दिखाऊंगी वो डिश में निकालते हैं। डिश में निकाल लिया मैंने चावल, अब अंदर लेके जाएंगे रूम में, बाकी मैं आपको दस्तरखान दिखाऊंगी। ओके फ्रेंड्स अब मैं रेडी हो गई हूँ, ये मेरा ड्रेस है देखें, रेडी हो गई हूँ अब मैं ये, और खाना मैंने अभी निकाल लिया, बाकी अंदर लेके जाऊँगी खाना। ये शारिब है, शारिब भी रेडी हो चुका है, सब रेडी हो गए हैं, अब बस अब खाना खाएंगे। अभी खाना निकालूंगी अब मैं डिश में, फिर आपको दस्तरखान दिखाएंगे। ओके अल्लाह हाफिज़। हम भाई में अल्लाह हाफिज़। शारिब क्या हो रहा है बेटा, अम्मार तो अभी से शुरू हो गए है ना, अम्मार आप तो अभी से शुरू हो गए। क्या बोलोगे, तो इधर हमारा दस्तरखान लग चुका है, जल्दी निकालो बस, थोड़े थोड़े मामूल का बात ही है, दावत शुरू हो चुकी है। हां निकालो निकालो, अच्छा मैं तो कुछ खाने का दे दें सर, पी लो, मेरा तो दिल चाह रहा पानी पी लो बस, पानी का दिल चाह रहा है। मम्मी आ जाओ ना, और ऑर्डर ऑर्डर ला चटनी मोइन को दे, करी कैसे करी इसलिए मैं बैठूं पर निकाल के लाऊंगी दोबारा। निकालने का उसको ढक देगा वरना ठंडे हो जाएंगे चावल। मेरे पानी में देखे खाने को नहीं दिया ना, मेरे पानी में नहीं आने को आलू आलू। मैं अभी आ रही हूँ, हाथ दुख में तो हाथ से खाऊंगा ना, मैं मम्मी का ना ठंडा हो जाएगा। खाना सबने खा लिया, सब फ्री हो गए, 10 मिनट मैं मीठा खाऊंगी थोड़ा सा अभी। तो गाइस वो आइसक्रीम खा रहे हैं, और लाइट गई है ये भी तो बता दो, लाइट भी गई, आइसक्रीम की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। क्या मैं इसको छुरी से नहीं काटूं, छुरी तो लेकर आओ नानी से, जाओ ये बैर ये तो नानी से पूछो, नानी खाएंगी, नानी आइसक्रीम खाओगी, पीस करूंगी ना फिर हिसाब से, उधर से तेज आवाज तो बैरी आइसक्रीम है, तो इसी के साथ व्लॉग को एंड करेंगे, उनके लाइट भी गई है, मैं बड़ों को देना चाह रही हूँ, मैं बड़ों को दे ही नहीं पा रही, पहले मैं चाह रही हूँ बड़ों को दे दूँ पहले, हमें जाना है तो बड़े वो उनको नहीं जाना है, मम्मा को नहीं जाना, क्या नहीं जाना है, अभी गर्मी हो रही है, जा रही
भी खाएंगे। इस कदर गर्मी हो रही है इधर, गर्मी हो रही है, लाइट गई भी है, लाइट तो गई भी है, लाइट बंद है तो गई हुई है ना। तो वीडियो का एंड कर दो, यहीं पर कैमरे में आके तुम वीडियो एंड कर दो, इसको दिखा देना जी, एंड कर देगी वीडियो का। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, बोलना इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।